दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर वायरल कोर्ट आदेश की सच्चाई भी जानेंगे। 12460 शिक्षक भर्ती से क्या संबंध है इस आदेश का या नहीं है, और मानव संपदा पोर्टल पर रिक्त पदों के डाटा अपडेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर वायरल कोर्ट आदेश के बारे में। दोस्तों अभी अभी सोशल मीडिया पर एक कोर्ट आदेश वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के 12460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी काफी परेशान है। तो उस आदेश के बारे में जान लेते हैं और किस परिप्रेक्ष्य में आदेश है, क्या 12460 शिक्षक भर्ती से इसका कोई संबंध है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को क्लियर कर दें, जो कोर्ट आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसका 12460 शिक्षक भर्ती से कोई भी संबंध नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट आप सभी लोग समझ लें। सबसे पहले इस कोर्ट आदेश पर नजर डालते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद सारी चीजों को क्लियर करते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक जो सोशल मीडिया पर वायरल कोर्ट आदेश है वो यहां पर आप सभी के सामने है, जहां पर कहा गया है समायोजन की महकती खुशबू फैलती ही जाएगी। सर्विस सिंगल नंबर 25/223 आप 2018। दोस्तों ये 2018 का ही आदेश है कोर्ट का, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन को लेकर के 2018 में एक प्रयास किया गया था बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, जहां अध्यापकों की कमी है वहां पर अध्यापकों को समायोजित करना था, सरप्लस वाले विद्यालय के अध्यापकों को। और उस मामले को लेकर के कुछ अध्यापकों की तरफ से चैलेंज कर दिया गया था कोर्ट में, और उसी मामले से संबंधित ये कोर्ट आदेश है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 29 नंबर पॉइंट से यहां पर मेंशन किया गया है, एज सच द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 20/7/2018 एंड सर्कुलर डेटेड 16/8/2018 बीइंग कंट्रेरी टू द एक्ट ऑफ 2009 एंड रूल्स ऑफ 2010 एंड बिगिन आर्बिट्रेरी इन नेचर आर हेयरबाय सेट असाइड इन व्यू ऑफ द अबव ऑल द ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफर या एडजस्टमेंट यानी स्थानांतरण या समायोजन विच आर अंडर चैलेंज इन द बंच ऑफ रिट पिटीशंस आर आल्सो हियर बाई क्वेस्टेड। 30 नंबर पॉइंट कहता है द बंच ऑफ रिट पिटीशंस सक्सीड एंड आर अलाउड। और जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट इफ डिजेरियस टू फ्रेम ए पॉलिसी इन रिगार्ड टू द ट्रांसफर या एडजस्टमेंट ऑफ द टीचर्स ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल्स एंड सीनियर बेसिक स्कूल्स इज एट लिबर्टी टू फ्रेम ए फ्रेश पॉलिसी इन कंसोनेंस विद द प्रोविजंस कंटेंड अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2010 एंड यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981। और ये आर्डर आ गया था 11/12/2018 में। तो दोस्तों इस आदेश में जो है सरकार को लिबर्टी दी गई है कि टीचरों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर के कोई पॉलिसी बना सकते हैं। और ये आदेश कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर और स्थानांतरण से संबंधित है, यानी स्थानांतरण और समायोजन से संबंधित है। क्या मामला था उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से चीजों को यहाँ पे चैलेंज किया गया था, क्या मामला था, क्यों चैलेंज किया गया था समायोजन के मामले को, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात में कोई गड़बड़ी होती, यानी अगर शिक्षक अधिक है छात्रों के अनुपात में, तो वहां पर सरप्लस शिक्षक कहे जाते हैं और उन सरप्लस शिक्षकों को समायोजित किया जाता है उन विद्यालयों में जहां पर अध्यापकों की कमी होती है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ एक मैटर था जो 2018 में शुरू हुआ था और पूरा विवाद वहां से इसलिए शुरू हुआ था, उसको समझते हैं। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों से अतिरिक्त अध्यापकों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भेजने के लिए
सरकार द्वारा समायोजन की प्रक्रिया अमल में लाई गई थी। लास्ट इन फर्स्ट आउट से अध्यापक को दूसरे विद्यालय में भेजा जाना था, यानी यहाँ लास्ट इन फर्स्ट आउट का तात्पर्य दोस्तों क्या है कि भेजा जाना था, यानी विद्यालय का सबसे जूनियर अध्यापक जो है वो अन्य विद्यालय में भेजा जाएगा। मान लीजिए किसी विद्यालय में टीचर सरप्लस है तो वहां से वो टीचर दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा जो सबसे जूनियर होगा, और इसी मामले को लेकर के जूनियर अध्यापकों ने सरकार की इस प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया था। जूनियर अध्यापकों ने शासनादेश को चुनौती दे दी थी, यानी जो सरकार ने जारी किया था या विभाग ने जारी किया था, कोर्ट ने लास्ट इन फर्स्ट आउट को रद्द कर दिया, यानी जूनियर अध्यापकों को कोर्ट से जीत मिली है और अब फिर से समायोजन होने वाला है। और मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट कराई जा रही है और 30 मई लास्ट डेट मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट कराने को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से निर्धारित की गई थी और उसके बाद चीजें जो है समायोजित की जाएंगी, यानी सरप्लस शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा उन विद्यालयों में जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो कुल मिलाकर के इस आदेश का 12,460 शिक्षक भर्ती से कोई संबंध नहीं है, ये समायोजन और स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित है, इसलिए किसी भी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को इस आदेश से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब स्कूल आवंटन और मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं और शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की सभी जानकारियां अपडेट करने को लेकर के एक ऑफिशियल आदेश जारी किया गया था, जिसमें टाइम बाउंडेशन जारी किया गया था कि 30 मई तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी पूरी अपडेट कर दी जाए। और उस आदेश के अनुपालन में 24 मई तक सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए आदेश निर्गत कर दिए गए थे और टाइम बाउंडेशन था 30 मई। 30 मई की डेट बीत चुकी है, क्या मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट हुई या नहीं हुई उसको क्लियर करते हैं। तो दोस्तों जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो आप सभी को बता दें ऑलमोस्ट लगभग सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के शासनादेश के अनुपालन में मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट करा दी है और जानकारी अपडेट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी पब्लिक डोमेन में मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी नहीं आई है। जैसे ही पब्लिक डोमेन में मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट जानकारी आएगी तो आप सभी को बता दें, उसके बारे में आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे किस तरीके से मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट जानकारी आप सभी को देखना है, ये पूरा विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ ही मात्र ऐसे जनपद बचे हैं जहां पर अभी मानव संपदा पोर्टल की जो जानकारी अपडेट करनी थी वो अपडेट नहीं हो पा सकी है। वहां से भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 1 से 2 दिनों में वहां पर भी मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारी अपडेट कर दी जाएंगी। सारा कार्य अंडर प्रोसेस है और जिन जिलों में मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट हो गई है, जैसे है वो पब्लिक डोमेन में जानकारी आती है, जैसे हम सभी लोग उसको विजिट कर पाएंगे, आप सभी को उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी जिलों के तरफ से ये कार्रवाई कंप्लीट कर ली गई है और अब आप सभी को बता दें मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद में आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ समायोजन की प्रक्रिया भी पूरी करना है बेसिक शिक्षा विभाग को और स्थानांतरण की प्रक्रिया भी इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में पूरी करनी है। तो कुल मिलाकर के ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ होनी है और बेसिक शिक्षा विभाग को कंप्लीट करना है 18 जून से पहले। तो कुल मिलाकर के अब जो स्कूल आवंटन के आदेश को लेकर के अपडेट निकलकर सामने आ रही वो क्लियर करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन में कहीं ना कहीं डिले होना उन सभी को और टेंशनाइज कर रहा है। हालांकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अब आप सभी के स्कूल आवंटन पर किसी भी प्रकार की कोई खतरे के निशान या संकेत नहीं नजर आ रहे हैं, आप सभी का स्कूल आवंटन होगा। लेकिन आप सभी को बता दें जिस तरीके से आप सभी लोगों को इंतजार था कि 1 से 2 जून में स्कूल आवंटन का सर्कुलर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, दोस्तों हमने बहुत पहले आप सभी को बताया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन 4 जून जो है
चुनाव परिणाम आने के बाद और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और जो है अपडेट आज निकलकर सामने आ रही, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन का आदेश जो है वो 15 जून के बाद आएगा और चयनितों का स्कूल आवंटन 15 जून के बाद किया जाएगा। दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल की जा रही है और जिन साथियों की तरफ से इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन में कहा गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया और विज्ञप्ति 15 जून के बाद आएगी, ऐसा पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उनका दावा है कि पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात की गई और स्कूल आवंटन के बारे में जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो दोस्तों अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी अपडेट होने के बाद समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी तो चयनितों के स्कूल आवंटन में डिले हो सकता है, और अगर इसके साथ साथ प्रक्रिया पूरी करना चाहेगा बेसिक शिक्षा विभाग तो स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति जो है 5 जून के बाद कभी भी आप सभी को देखने को मिल सकती है। हालांकि अब इसमें डिले नहीं होगा, जो 15 जून के बाद कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें जब तक सभी जिलों के तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं हो जाती है तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि किस जिले में कितने पद रिक्त हैं और किस विद्यालय में कितने शिक्षक सरप्लस हैं और किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी है, और जब तक ये जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं क्लियर हो पाएगी तब तक ना तो स्थानांतरण प्रक्रिया कंप्लीट की जा सकती है, ना ही समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और ना ही आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। क्योंकि आप सभी को बता दें आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो उन्हीं विद्यालयों में की जाएगी, आप सभी को वहीं ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी है। हालांकि आप सभी को बता दें अगर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती में चयन जो अभ्यर्थी हैं उनका स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाती है तो स्कूल आवंटन के साथ साथ स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर लें और उन्हें तब तक बीएसए कार्यालय या बीआरसी पर ज्वाइन करा दें और जब स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद आप सभी को विद्यालयों में ज्वाइनिंग करा दें जहां पर शिक्षकों की कमी रह जाए। तो कुल मिलाकर के खबरें जो हैं वो इस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं और 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति और प्रक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, कब, जब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी तो, अन्यथा आप सभी की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी विज्ञप्ति जो है चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद कभी भी जारी की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।